बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, आमिर खान ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी है और उसके हाथों पर एक इंसिग्निया है, मतलब दोस्तों एक सिंबल है। और ये जो सिंबल है ना, इसको मैंने जूम किया यहाँ पर, ये देख लीजिए, इसको देखिए दोस्तों, मैच कर लीजिए आप खुद ही, आप खुद ध्यान से देखकर मैच कर लीजिए। जो भारत की सेना है दोस्तों, भारतीय सेना का जो इंसिग्निया होता है ना दोस्तों, वो ये है, सीधी तलवारें होती हैं पीले रंग की ये, और ये जो इंसिग्निया है दोस्तों, ये भारत की सेना के नहीं, ये पाकिस्तानी सेना का है। पाकिस्तानी सेना का इंसिग्निया दोस्तों ये है, जिसमें तलवारें जो होती हैं वो मुड़ी हुई होती हैं, जो कि आमिर खान ने अपने कंधे पे लगा रखा है। कहने को दोस्तों, ये भारतीय सेना का जो है सैनिक बना था, पैरा ट्रूपर बना था, पर अपने कंधे पे पाकिस्तान का। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं दोस्तों, पर ये चीजें जो होती हैं, बड़ी सोच समझ के, स्ट्रेटेजी के तहत जो है, प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए की जाती है। और बॉलीवुड दोस्तों इसमें अव्वल है, देख लीजिए आप खुद ही, आप पहचान सकते हो। और एक और चीज आपको दोस्तों मैं दिखाता हूं, आमिर खान दोस्तों इस फिल्म में जो है यूनिफॉर्म पहनता है आर्मी का, जोकर, आर्मी के सैनिक को ये जोकर की तरह दिखाता है। चलो वो तो कहानी है इस फिल्म की, पर दोस्तों जिस यूनिफॉर्म को इस बंदे ने पहना है ना आमिर खान ने अपनी लाल सिंह चड्ढा मूवी में, वो दोस्तों पैरा ट्रूपर का यूनिफॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, ये पैरा ट्रूपर, देखिए यहां पर भी ये जो सिग्नेचर है दोस्तों, ये सिंबल है, ये पैरा ट्रूप। भारतीय सेना में दोस्तों एक रेजिमेंट होता है, इस रेजिमेंट को कहते हैं पैराशूट रेजिमेंट। ये भारतीय सेना का सबसे इलीट, मतलब सबसे टॉप का रेजिमेंट होता है दोस्तों। इसका हर सैनिक अपने आप में कमांडो होता है। और बता दूं आपको कि भारतीय सेना में जो ये सैनिक होते हैं, इनको पैरा ट्रूपर्स कहा जाता है, इनकी ट्रेनिंग दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, सब पैरा ट्रूपर्स में। देखिए दोस्तों, पैरा ट्रूपर्स का एक इंसिग्निया है, इसमें होता यह है कि एक पैराशूट लगा रहता है यहां पर, और ये पंख जैसे लगे रहते हैं। इसका पूरा मीनिंग समझाता हूं, पहले बता दूं दोस्तों कि आमिर खान जो है इस मूवी में इस तरह का जोकर जो है पैरा ट्रूपर्स को दिखा रहा है। पैरा ट्रूपर्स में दोस्तों जो भर्ती होते हैं ना सैनिक, उसमें भारतीय सेना से जुड़े अलग अलग रेजिमेंट के जो सैनिक होते हैं, उनकी छटनी होकर पैरा ट्रूपर्स में जोड़ा जाता है। आमिर खान जैसे 5 फुट 2 इंच के व्यक्ति को पैरा ट्रूपर्स में लिया ही नहीं जाता दोस्तों, 6-6 फीट की हाइट चाहिए पैरा ट्रूपर में जाने के लिए। इस तरह का असली पैरा ट्रूपर्स होते हैं, देख लीजिए इन सबको कितने फिट है। ये इंडियन आर्मी का सबसे इलीट फोर्स होता है। पैरा ट्रूपर्स की खासियत ये होती है दोस्तों कि इनको जो है बड़ी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, और ये सारे जितने पैरा ट्रूपर्स होते हैं वो सारे जो है आसमान से दोस्तों छलांग लगा सकते हैं, जैसे इस तरह के होते हैं। इनको पैरा, पैरा का मतलब ही दोस्तों पैराशूट, पैराशूट रेजिमेंट। और ये आमिर खान जिसका मजाक उड़ा रहा है ना, पैरा ट्रूपर्स आम सैनिक नहीं है, पैरा ट्रूपर्स दोस्तों महामानव होते हैं। आर्मी से बहुत कैसे भर्ती होती है बताता हूँ, आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट से जो है पैरा ट्रूपर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाया जाता है। तो बहुत सारे लड़के जो होते हैं आर्मी के, तो वो जो है शौक शौक में पैरा ट्रूपर्स में भर्ती होने के लिए एप्लीकेशन भर देते हैं। उनमें से भी दोस्तों 90% जो है ना नाम वापिस ले लेते हैं, क्योंकि ऐसी कड़ी ट्रेनिंग जो है, एक एक पैरा ट्रूपर हमारा दोस्तों, एक एक पैरा ट्रूपर 10 10 लोगों पर भारी रहता है। और आमिर खान, गुटका आमिर खान जो 5 फुट 2 इंच का इस तरह का जोकर बना हुआ है, ये दोस्तों पैरा ट्रूपर्स का हमारे मजाक उड़ा रहा है, अपने कंधे पर जो है पाकिस्तान की सेना का जो है इंसिग्निया लेकर घूम रहा है, और दोस्तों हमसे चाह रहा है कि हम जो है इसकी फिल्मों को देखें और इसको बढ़ावा दें। दोस्तों मैं खुद एक सैनिक का बेटा हूं, मेरे पिता ने कारगिल का युद्ध लड़ा है इस देश के लिए, और इस तरह का सेना का अपमान जो है मेरे जैसे लोग तो कम से कम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते।